हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम लोग अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे जिसका आज डे 3 है और हम ऑलरेडी अपने 2 डे डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके 15.1 है जिसका आज हम लोग 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर पहले मैंने 10th क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, तो वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। यहाँ पर 10th क्वेश्चन है कि अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा कि जो 2 डाइस है वो एक साथ फेंकी गई। अगर मेरे एक हाथ में एक डाइस है, दूसरे में दूसरी डाइस है, तो मैंने क्या किया, दोनों को एक साथ फेंका। जब 2 डाइस की बात की जाती है बेटा, तो आप समझ जाइए कि वो क्या कंडीशंस बनेगी, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, कि पहले में या तो 1 में 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, मेरे दूसरे हैंड में 2 आ सकता है। तो ये आपकी कंडीशन इसके अलावा कहीं नहीं बाहर से आएगी। तो अगर 2 डाइस की बात कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि टोटल आउटकम्स इसके 6x6 होते हैं, दैट इज 36, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि इसकी रो जो है और कॉलम जो है दोनों 36 है। टोटल कितना है अगर आप करते हैं तो 36 है। अब उसने क्या बोला है कि बेटा बहुत ही सिंपल चीज पूछी है, उसने ये बोला है कि अगर दोनों खेल रहे हैं तो वो कंडीशन बताइए कि फेवरेबल वो कंडीशन होगी कि जब पहला जो डाइस होगा जब वो फेंका जाए तो उसका क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। फर्स्ट डाइस का जो है, जो आपकी फर्स्ट डाइस है उसका क्या है, जो फर्स्ट नंबर है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, पहला जो आउटकम है वो इवन नंबर होना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट डाइस की बात करूं तो ये मेरा फर्स्ट डाइस है सब में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहला इवन कौन सा होगा, तो आप ऑलरेडी देख रहे हो 1 क्या हुआ, 1 तो इवन होता ही नहीं है, तो ये पूरी लाइन तो हमारी बेकार हो गई। तो ये आपका इवन होगा, ये पूरी लाइन क्या होगी आपकी, इवन नंबर की होगी क्योंकि सब में आपके 2 2 2 आ रहा है। उसके बाद जो 4 है वो भी इवन नंबर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरी लाइन इवन है और लास्ट में अगर आप 6 की बात करते हो तो 6 भी क्या हुआ आपकी, इवन है। तो यहाँ पर आपने देखा 6 6 और 6 हुआ तो 6 3 18 आता है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी आपकी जो फेवरेबल की हुई वो क्या हुई आपकी, 18 हो गई। और टोटल मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि टोटल हमारी क्या है, 36 है। तो यहाँ पर 36 हो गई। तो अगर आप बात करें कि अगर पहली डाइस आपकी, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप 2 लोग खेल रहे हैं और कि मैं जब भी फेंकूं तो मेरा अगर मेरा पहला डाइस जो मैंने फेंका है और उसमें मुझे इवन नंबर मिलता है, तो उसको चाहे कुछ भी मिले लेकिन मुझे इवन मिलना चाहिए तो मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, तो इन दैट कंडीशन आपके पास 18 ऐसे चांसेस आते हैं 36 में से कि आप जीत सकते हैं। ये आपकी फेवरेबल आउटकम्स है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, दैट इज 36। तो आपका आंसर आता है 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 10। उसके बाद हम लोग पीछे चलेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने ऑलरेडी 7 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने 10 किया है। इसके बाद हम लोग करते हैं 8 और 9। ठीक है, तो आप अपनी बुक में से, एनसीईआरटी की बुक में से 8 क्वेश्चन देखेंगे कि 8 क्वेश्चन हमारा क्या चल रहा है। 8 क्वेश्चन बोलता है बेटा कि 2 कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, कॉइन को क्या हुआ, साइमल्टेनियसली मतलब होता है बेटा एक साथ। ठीक है, साइमल्टेनियसली मींस एक साथ उछालना। अगर मेरे पास 2 कॉइन है तो मैंने क्या किया, एक साथ उनको उछाला। तो अगर मैंने एक साथ मैं दोनों कॉइन को उछालती हूँ तो मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने आने वाले हैं, कि आपको पता है कि जो टोटल आउटकम्स होंगे, या तो दोनों में टेल होगा, या एक में टेल और एक में हेड होगा, या एक में हेड और एक में टेल होगा, या क्या होगा, दोनों में हेड होगा, यही कंडीशन आएगी। तो टोटल आउटकम्स तो मेरे पास 4 आने वाले हैं ना। तो उसके बाद क्या होगा बेटा, कि उसके बाद दूसरी चीज उसने क्या पूछी है, उसने बोला है कि एटलीस्ट 1 हेड हमें क्या चाहिए, पॉसिबिलिटी हमारे पास फेवरेबल की पॉसिबिलिटी क्या है, एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, तो मैंने एटलीस्ट आपको पहले ही बताया था, जब एटलीस्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, नीचे वाला जो हमारा बॉटम होता है उसको फिक्स करता है कि इतना मिनिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा। तो एटलीस्ट का मतलब है कि जो भी हमारे पास होगा वो इसके बराबर और इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक हेड से ज्यादा होना चाहिए। तो आप ऑलरेडी देख रहे हो कि यहाँ कंडीशन क्या आती है, यहाँ पर एक हेड है, दैट इज टी एंड एच, आपका एक पॉसिबिलिटी हो गई।
एच एंड टी आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई, और एक से ज्यादा भी ले सकते हैं तो एच एंड एच आपकी तीसरी फेवरेबल आउटकम हो गया। हो गया या नहीं हो गया? ये तीनों कंडीशन कैसी है जिसमें क्या है, हेड जो है आपका क्या है, वन है या मोर देन वन है, या आप बोल सकते हो एटलीस्ट वन है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितने आपके पास चांसेस मिल रहे हैं, आपको तीन चांसेस हैं, और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, वन टू थ्री फोर है, तो 3/4 जो हुआ आपकी पॉसिबिलिटी होगी जीतने की, कि अगर आपके पास एक भी हेड आ जाता है या एक से ज्यादा हेड आ जाता है तो आप जीत जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे बेटा। 9 क्वेश्चन है, कार्ड मार्क्ड विद नंबर्स फ्रॉम 5 to 75 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स द ट्रॉली, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज इवन। ओके, तो यहाँ पर ये कंडीशन सबसे पहले आपको जरूरत होती है प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन को समझने की, क्योंकि जिस बच्चे को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है तो उसका 70% आंसर ऑलरेडी निकल जाता है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी आपको पिछली भी क्लासेस में बहुत अच्छे से बोला है कि बेटा जो आपके इसकी जो लैंग्वेज होती है, जो एक एक वर्ड होते हैं वो आप समझिए, क्योंकि सिर्फ प्रोबेबिलिटी में हेर फेर की जाती है वर्ड्स की, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जिस भी बच्चे ने मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ और सच में चाहती हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, तो प्लीज अभी लाइक कीजिए। और जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर जो कंडीशन है बेटा, यहाँ पर ये बोलता है कि जो ओके 5 to 75 यहाँ पर नंबर ऑफ कार्ड्स क्या है बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्ड्स आपके हैं 5 to 75। ठीक है, उसने क्या किया, कुछ कार्ड्स लिया और उसमें कुछ नंबर डालने शुरू कर दिए, लेकिन नंबर जो डालने शुरू किए वो वन से नहीं शुरू किए, वो आपके कहां से शुरू किए गए, 5 से 75 के पास से किए गए हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर नंबर ऑफ कार्ड्स, यह नंबर ऑफ कार्ड्स नहीं है, ठीक है, नंबर्स ऑन कार्ड है। ठीक है, कार्ड्स पर कौन कौन से नंबर डले हुए हैं, 5 से 75। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, है नंबर्स और नंबर ऑफ कार्ड्स निकालेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्ड्स क्या होंगे बेटा, कि यहाँ पर जो है 75 है, तो 75 में से कौन कौन से नंबर नहीं है, तो इसमें कार्ड में वन नहीं है, टू नहीं है, थ्री नहीं है, तो फोर नहीं है, तो कौन से कार्ड, कितने कार्ड्स मिसिंग है, फोर कार्ड मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, 75 - 4 कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ कार्ड्स है, पता चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि 1, 2, 3 and 4 तो नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने आ जाते हैं बेटा, 71 आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास, जो नंबर ऑफ कार्ड्स है वही हमारा क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, तो यहाँ पर 71 हो गए। लेकिन उसने दूसरी कंडीशन क्या बोली, कि इवन कार्ड चाहिए उसको, कौन सा कार्ड चाहिए, इवन कार्ड चाहिए, जिसमें किसका नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 5 क्या है आपका, ऑड है, ऑड से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 71 है, तो 71 आपका लास्ट में क्या है, इवन ऑड है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 70 / 2 करेंगे बेटा, जिससे आपके इवन कार्ड जो होते हैं वो 35 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आधे आधे कर देते हैं, ऑड पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑड पे शुरू करेंगे तो इवन पे खत्म होगा, लेकिन उसने क्या किया, एक एक्स्ट्रा है तो वो ऑड पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 35 कार्ड्स होंगे वो कैसे होंगे, आपके इवन नंबर वाले होंगे, क्योंकि क्या है, बीच में कोई भी मिसप्लेस नहीं हुआ है, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिंपल आपका रहा है, एक ऑड है तो एक इवन है। तो यहाँ पे आपको लिखना नहीं है कि आप वहां पे लिख के उसमें से फाइंड आउट कर रहे हैं, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग बेटा, कि बहुत आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको पहले नंबर ऑफ कार्ड्स निकालें और फिर ये देखना है कि वो किससे शुरू हो रहा है, ऑड से या इवन से। ठीक है, तो यहाँ पर 35 हो गए बेटा। तो यहाँ पर मेरी प्रोबेबिलिटी आप ऑलरेडी देख रहे हो कि मेरे फेवरेबल केसेस क्या है, 35 है, और टोटल मेरे पास क्या है, 71 आउटकम्स है, 71 आपके पास है, कि भाई 71 आपके पास कार्ड्स है, तो आपका आंसर हो जाता है 35/71, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग मी, थैंक यू, बाय बाय।